हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फियोसिस पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स का एक नया लेक्चर। लेक्चर नंबर आपका होगा कौन सा? 4। और ये लेक्चर बच्चों आपका रहेगा एक्सेलरेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है इसकी बढ़िया सा फील लेंगे बच्चों, और साथ ही साथ कुछ कंपटीशन में क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया से इस वीडियो को देखिए, और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं बच्चों, वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे बच्चों। आप जितना शेयर करेंगे ना, उतना हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, और आपको वीडियो देने में, वीडियो को प्रोवाइड कराने में, कंटेंट अच्छे देने में हमको भी मज़ा आएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम लॉस के एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हेडिंग लगाए बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन व्हाट इज एक्सेलरेशन? नाइन्थ क्लास से पढ़ते हुए हम चले आ रहे हैं कि बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है। सर पूछते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सिर्फ आप एक ही डिफिनेशन बताते हो, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यही बताते हो एग्जैक्ट, यही डेफिनेशन इसकी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन है क्या? आपने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, बता दिया, लेकिन क्या एक्सेलरेशन की फीलिंग आई आपको? एक्चुअली अगर देखा जाए बच्चों, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी है, और उसका रेट कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि यूनिट टाइम में, मतलब पर सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई उस बॉडी का, मतलब मूविंग बॉडी का, ठीक है ना? मूविंग बॉडी का वेलोसिटी कितना चेंज हुआ यूनिट टाइम में, यही क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्सेलरेशन। और इसका डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। तो मैं कह सकता हूं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। समझिए बच्चों अच्छे से इसको, और ये जब आप समझ जाएंगे एक्सेलरेशन, तो इसके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फुल कॉन्सेप्ट है। तो क्वांटिटी हो गई बच्चों, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं बच्चों। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगता है, वही है हमारा एक्सेलरेशन। तो टाइम टेकन हम क्या लेते हैं? यूनिट टाइम बताते हैं बच्चों, और यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई वही क्या है? एक्सेलरेशन है। ये रेट कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गई डिफिनेशन की बात, रिप्रेजेंटेशन हो गई, और कैसी क्वांटिटी है? तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर ए ऐसे दिखाते हैं। न्यूमेरिकली सॉल्व करते समय, रिप्रेजेंट करते समय वेक्टर हम दिखाते हैं, और कभी कभी बच्चों हम वेक्टर का साइन हटा करके बात करते हैं, ओनली सॉल्व करते हैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, डायरेक्शन का जिक्र भी नहीं करते। क्लियर है? तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर चेंज इन वेलोसिटी होगी। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम
as that of change in velocity, change in direction of, direction कहेंगे इसको, direction of change in velocity, change in velocity के direction में के जैसी होती है या वही होती है acceleration की direction. जिधर change in velocity होगी उधर ही acceleration का direction होता है. Is that clear? तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, रोक करके, स्टॉप करके आप इसको नोट कर सकते हो. क्लियर हुआ? तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. अब बच्चों हम इसको इरेज करके टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. तो जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए और इसको हम इरेज करने जा रहे हैं. एरेस कर दे बेटा. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, कितने टाइप्स के होते हैं. तो जैसे आपने बच्चों वेलोसिटी के बारे में पिछले लेक्चर पढ़ा था, काइनेमेटिक्स का ये आपका शायद फोर्थ लेक्चर है, और थर्ड लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, या सेकेंड लेक्चर था शायद, जो भी रहा हो आपका ये थर्ड हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, ठीक है ना. ये हम अपलोडिंग करते समय आप लोग जान जाएंगे. और चलिए ठीक है, बात करते हैं इसके टाइप्स में, ठीक है ना. टाइप्स, तो टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स फोर होते हैं. पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेकेंड नंबर है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शॉर्ट में. थर्ड है क्या आपका, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन. और फोर्थ नंबर बच्चों होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो जनरली एवरेज को हम ए बार से डिनोट करते हैं, बार ऊपर लगा देते हैं, तो एवरेज या मीन को रिप्रेजेंट करता है. बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो. ध्यान सुनना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज ना हो. डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन मे बी चेंज. मतलब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है. ओके, ड्यूरिंग द मोशन, मोशन के दौरान. ये दोनों बातें कब होंगी, ड्यूरिंग द मोशन. इसको बच्चों अपने लैंग्वेज में आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ड्यूरिंग द मोशन, मोशन के दौरान मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहा है या चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द मोशन. अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बच्चों कैसे चेंज होता है, जैसे मान लो एक बस है. क्या है बच्चों, एक बस है, ये बस, ठीक है. ये बस जो है स्टार्टिंग में मान लेते हैं सपोज दैट कि ये 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है,
आफ्टर 1 सेकेंड इसका हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आफ्टर 2 सेकेंड इसका हो जाता है 7 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां क्या चेक कर रहे हो, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड में चेंज हो रहा है वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है इक्वल अमाउंट में, तो जो इसमें एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा बताइए, चेंज इन वेलोसिटी 5 - 3/1 तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे निकालेंगे तो यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां सब जगह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईच एंड एवरी सेकेंड में आपको दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी क्या है कांस्टेंट है। ये तभी पॉसिबल है जब डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी उसी के हिसाब से चेंज होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस बॉडी में। क्लियर है? तो ये हो गया आपकी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये इसकी फीलिंग बच्चों आई कि नहीं आई? फील आया? तो यूनिफॉर्म मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, नॉन यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ना हो ड्यूरिंग द मोशन दोनों की। और किसकी बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की। क्लियर? अगर जनरली आप बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ऐसे बता देंगे, और उसका जस्ट अपोजिट चेंज अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह देंगे। तो ये हो गए 2 टाइप्स डेफिनेशन के। अब जो कैलकुलेशन के लिए हम बच्चों करते हैं वो है निकालते हैं एवरेज। एवरेज कहाँ कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे वेरिएबल होगा मतलब चेंज हो रहा होगा। T1 टाइम पर एक्सेलरेशन मान लो क्या है, सॉरी T1 टाइम पर वेलोसिटी V1 है और T2 टाइम पर वेलोसिटी V2 है। तो ऐसे केस में हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम मतलब टोटल टाइम इंटरवल्स का डिवाइड करके एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ये अप्लाई करेंगे अगर हम मानते हैं T1 टाइम पर वेलोसिटी V1 है और T2 पर V2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी V2 - V1 टाइम इंटरवल T2 - T1, इसी को हम लोग एवरेज ए बार कह देते हैं, और शॉर्टकट में इसको हम डेल्टा वी कहेंगे, इसको डेल्टा टी कहेंगे। दिस इज द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो ये है एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। तो जल्दी से नोट करें बेटा, जल्दी। ओके, नोट कर लिया, तो इरेस करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है ना? इरेस करें इसको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एट एनी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप स्मॉल टाइम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, यह है इंस्टेंटेनियस का मतलब। तो किसी भी टाइम पर कैलकुलेट कर सकते हो। इट मींस जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है बच्चों, वो जनरल वेलोसिटी एक तरह से वेलोसिटी को ही फील दिलाता है, मतलब वेलोसिटी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हेल्प से। अब यहां इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वहां जो एक्सेलरेशन होगा एट एनी इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं।
तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा वो एक एक्सेलरेशन को ही डिफाइन करता है। आप स्मॉल टाइम के लिए भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस। तो लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन, एट एनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन इन द बॉडी या एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों? आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं जो आपका एवरेज वेलोसिटी बच्चों आया हुआ है इसी का लिमिटिंग वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखेंगे लिमिट ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। मतलब टाइम अप्रोच क्या हो, जीरो हो, तो लिमिटिंग वैल्यू जो लेंगे हम वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब स्मॉल टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका तो ठीक है, अगर इसको न्यूमेरिकली यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? तो इसी टर्म को हम लोग बच्चों इसी टर्म को डिफ्रेंसिएशन के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब और करके मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वी। मतलब डी डी टी ऑफ वी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये किसी भी इंस्टेंट पर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले से। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। और इसका ज़्यादा यूज होता है बच्चों न्यूमेरिकली में, इसका यूज होता है। और कभी कभी इसका फार्मूला थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ जाता है। कैसे मॉडिफाई करते हैं वो ध्यान दीजिए। अब जैसे हम वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब अगर इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो एक्सेलरेशन का एक नया फार्मूला बन जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई रिलेशनशिप होगा। तो मैं बताना चाहूंगा देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है। ये वैल्यू बच्चों पुट कर देंगे यहाँ पे डायरेक्शन के बीच, ध्यान देना डायरेक्शन के बीच कोई रिलेशन नहीं होता। वैसे फार्मूला तो होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इस बात से आप लोग सहमत है बेटा? तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्या इसको, डी डी टी ऑफ एक्स, ऐसे, ठीक है ना? तो ये आपका बन जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बच्चों फार्मूला बन जाता है। इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये है बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। क्लियर? ओके। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इन टू डी एक्स अपॉन डी टी। कभी कभी हमको ऐसे भी लिखना पड़ जाता है बच्चों, मतलब डी एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे आपस में। अगर इसको काटेंगे तो वही चीज मिलेगा। देखो इसको ऐसे काट दो यहाँ से तो यही तो चीज मिलेगा डी वी अपॉन डी टी। तो हमने इस चीज को इतना लिख दिया। अब डी एक्स अपॉन डी टी कितना होता है, वेलोसिटी वी, तो इसके प्लेस पे रख देंगे वी। तो फार्मूला बन जाएगा क्या, डी वी अपॉन डी एक्स इन टू वी, या वी पहले लिख दो तो वी इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। आप ऐसे एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना? ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। कभी कभी न्यूमेरिकल में इसका यूज करना पड़ सकता है। ऐसा आपको क्वांटिटी दिया रहेगा, ऐसा टर्म दिया रहेगा, आपको जरूरत पड़ जाएगी इस टर्म में यूज करने के लिए। वेलोसिटी दी रहेगी, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपका, ठीक है ना? क्लियर है बेटा? अच्छा, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी नोट कीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा बच्चों।
नोट कर लिया? ओके फाइन, इरेस करते हैं। अब बात करेंगे बच्चों जो डायरेक्शन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, क्या इनके बीच कुछ एंगल बनता है किसी किसी केस में या किसी भी केस में? तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चों सर्कुलर मोशन, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग यहां पे याद रखिएगा। सर्कुलर मोशन में एक होता है सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन। जैसे ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर है ओ, इसका ये है रेडियस, यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी वेलोसिटी डायरेक्शन, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसे होगी। एक्सलरेशन कैसा होगा हमारा? इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। अगर इस पॉइंट में बात करूं तो इस पर डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। ये रेडियस, इसी के अलोंग में एक्सलरेशन हमारा एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन SC। वेलोसिटी इधर होगी तो एंगल कितना? 90 डिग्री। यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर मान लो ऐसे, तो यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगा और एक्सलरेशन किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा एक्सलरेशन, तभी बीच में एंगल 90 डिग्री। मतलब सर्कुलर मोशन के केस में एक्सलरेशन जो बनता है वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच अगर जो एंगल बात करेंगे तो एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री का। तो फॉर सर्कुलर मोशन के लिए लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, याद रखिएगा बच्चों। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, किसकी बात करें? प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चों, ये ओरिजिन है, यहाँ से आपने थ्रो किया कोई वेलोसिटी से यू से, तो ऐसे न जाकर कि ये बच्चा कैसे जाएगा पार्टिकल, ये ऐसे जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? अगर इस पॉइंट की भी बात करो, वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? इधर है। और जब कोई बॉडी ऊपर या नीचे या ऊपर जाती हो या नीचे आती है तो वहां पर एक्सलरेशन वर्क करता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर जो ग्रेविटी होगी उसका डायरेक्शन इधर होगा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, वेलोसिटी हमारा ये है, एंगल थीटा ये हो जाएगा। इस पॉइंट में बात करें तो इस पर डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे वेलोसिटी होगा। डायरेक्शन हमारा कैसे होगा? ऐसे होगा। तो ये 90 डिग्री बन रहा है हाईएस्ट पॉइंट के लिए। इस पॉइंट की बात करें, वेलोसिटी हमारा ऐसे है, एक्सलेशन हमारा ऐसे है जी, एंगल थीटा है। मतलब पैराबोलिक पाथ के लिए एक्सलरेशन और वेलोसिटी, कोई भी एक्सलरेशन हो, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक्सलरेशन के बीच, तो एक्सलरेशन और वेलोसिटी के बीच डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे। किस केस में? प्रोजेक्टाइल वाले केस में। लेकिन सर्कुलर मोशन वाले केस में एक्सलरेशन और वेलोसिटी के बीच जो एंगल बनता है वो बच्चों वो कितना होगा? हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री होगा, इसको याद रखना, ठीक है? नो प्रॉब्लम। तो यहां तक फिगर को ड्रॉ करके नोट करें बच्चों, जल्दी से जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया बेटा? ओके। अब बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे एक्सलरेशन, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि कांस्टेंट है कि डिक्रीज कर रही है? इस कंडीशन में एक्सलरेशन पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? एक्सलरेशन पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? ध्यान दो, जब वेलोसिटी क्या कर रही हो? इंक्रीज करती हो, इंक्रीज, उस कंडीशन में हमारा एक्सलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। वेलोसिटी डिक्रीज करता है बेटा, डिक्रीज, तो एक्सलरेशन बच्चों नेगेटिव होता है, याद रखना। वेलोसिटी इंक्रीज करे कंटिन्यू, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर,
इस कंडीशन में जो भी एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा बेटा, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव की बात आएगी या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। जब वेलोसिटी न इंक्रीज करे और न डिक्रीज करे उस कंडीशन में क्या होगा, जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन। क्या बताएंगे? जीरो एक्सेलरेशन। तब उस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है बेटा। क्लियर है? यह है एक्सेलरेशन के नेचर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और एक चीज और याद रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। और इसी को हम लोग डिसलरेशन कहते हैं। डिसलरेशन, रिटार्डेशन या डिसलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है? ओके, तो ये आपने नोट कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे आपके लॉज ऑफ मोशन में देखने को मिलेगा एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अभी तक के लिए हमने इतना जो पढ़ाया ये सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में है। किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में। कभी कभी बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिसमें आपको लॉज ऑफ मोशन से या इक्वेशन ऑफ मोशन से कंक्लूजन निकाल करके आपको कैलकुलेट करना है। वो कॉम्पिटिशन टाइप में कभी पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है, बार बार डिराइव नहीं करना है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो कुछ वो नोट में लिखवा देंगे बच्चों हम। और एक चीज़ याद रखना, SI यूनिट क्या होती है इसकी? SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और CGS यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको पता होगा इसका डायमेंशन LT-2 होता है एक्सलरेशन का, ये भी आपको पता होगा, है ना? इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात होगी तो ए के प्लेस पर रखेंगे हम प्लस जी। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, मतलब कोई बॉडी ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, जब नीचे आती है तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। जब ऊपर जाती है, कोई चीज़ थ्रो करे ऐसे, तो जाकर रुक जाएगी, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करती है। उस कंडीशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस जी तब लेंगे। और जी की वैल्यू SI सिस्टम के लिए होती है कितना? जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS के लिए इसकी वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और FPS सिस्टम के लिए 32 फिट पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है बच्चों, याद रखना जी की वैल्यू। SI में 9.8, CGS में इतना, FPS में 32 फिट पर सेकेंड स्क्वायर या फुट पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना इसको। इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में कभी कभी एक नंबर का दे देता है, या आपके बोर्ड एग्जाम में भी दे सकता है, स्कूल के एग्जाम में दे सकता है, अदर कॉम्पिटिशन पूछ लेता है, तो आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो अब कुछ नोट लिखाएंगे बच्चों जो कि डायरेक्टली आपको याद रखना है और उसका यूज करना है कॉम्पिटिशन के लिए, न कि स्कूल एग्जाम में आपको यूज करना है। स्कूल एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड हो, ठीक है? तो कुछ कॉम्पिटिशन के लिए हम दो तीन नोट्स आपको बताना चाहेंगे। नोट में आप उसको याद रखिएगा, उसका डायरेक्टली यूज करेंगे। तो बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चलिए इरेज करते हैं इसको। और नोट में आप लोग लिख लीजिए, अगर मैं मान लो T1 टाइम के लिए एक्सेलरेशन क्या हो, A1 हो, और T2 टाइम के लिए एक्सेलरेशन A2 हो। ध्यान दीजिए, T1 टाइम के लिए एक्सेलरेशन A1 हो और T2 टाइम के लिए एक्सेलरेशन A2 हो, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? A1 T1 प्लस A2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन।
नोट करिए इसको, नोट नंबर वन, जल्दी नोट करिए। ये क्या है आपका? एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, नोट हो गया। नोट सेकंड, मान लेते हैं एक बॉडी है, कोई बॉडी है और उस बॉडी का मास m1 है, इस पर फोर्स F लगता है, m2 पर भी फोर्स F लगता है और सेम फोर्स अप्लाई होता है, तो इसका एक्सेलरेशन a1 होता है और इसका एक्सेलरेशन a2 होता है, मास में डिफरेंस है। इस वजह से आपने न्यूटन सेकेंड लॉ से पढ़े होंगे नाइन्थ क्लास में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास होता है ना? उस कंडीशन से इसका एक्सेलरेशन a1, इसका a2, जब दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट मिला दिया जाए, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में इस तरह से, और सेम फोर्स लगाया जाए एफ फोर सी m1 m2, तब इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट एक्सेलरेशन तो आपका होगा a1 a2 बाई a1 प्लस a2। इसको आप लोग सीधा सीधा याद रखेंगे, ट्रिक है ये, और ट्रिक की तरह इसको याद रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्लियर है बेटा? तो एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा नेट। सेम मास का है बॉडी, सेम मास नहीं, डिफरेंट मास का है और सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ये हो रहा है। अगर बॉडी कॉन्टेक्ट ला दिया जाए और एक वही फोर्स से इनको पुश किया जाए, तो एक्सेलरेशन कितना होगा उस कंडीशन में? a1 a2 बाई a1 प्लस a2 अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ओके, एरेस करते हैं, एक दो नोट और बचा हुआ इसमें नोट करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे, कुछ कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो नज़रें जमाए रखें बच्चों, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना? तो जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के, ठीक है ना? एंड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस इन टी सेकेंड, ये टी सेकेंड की बात कर रहा है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड जब बात किया जाए, nth सेकेंड मतलब टाइम फिक्स नहीं है, कौन सा n सेकेंड है ये फिक्स नहीं है, उस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा एस एन एथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2n-1 के। ये डायरेक्टली आपको ट्रिक में दोनों याद रखना है, नोट नंबर थर्ड, नोट नंबर फोर्थ, इसको आपको याद रखना है बच्चों। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड टी सेकेंड में बात करना है, किस पर डिपेंड करेगा, तो डायरेक्टली उस टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, इस पर अभी एक क्वेश्चन करेंगे। और nth सेकेंड जब बात करेगा तो 2n-1, n क्या है? nth सेकेंड, जो कि फिक्स नहीं है, 4th सेकेंड, 6th सेकेंड, 7th सेकेंड, कौन सा है? फिक्स नहीं है। तो ये आपके फोर नोट हो गए, जो कि कॉम्पिटिशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक और नोट बच्चों, जनरल जानकारी है, अगर दो बॉडी डिफरेंट डिफरेंट मास को किसी हाइट से अगर गिराया जाता है, छोड़ा जाता है नीचे की ओर, ड्रॉप करते हैं, तो दोनों सेम वेलोसिटी से, सेम टाइम से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ग्राउंड पर एक साथ पहुंचेंगी, इसको याद रखना, ठीक है ना? तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, सेम वेलोसिटी से, सेम टाइम से, अगर सेम हाइट से गिराई जा रही है तो कंडीशन ये है। ये भी आप लोग नोट में, अपने लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। यह है एक्सेलरेशन की कहानी, क्लियर हुआ? अब इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब जाके ये आपका वीडियो कंप्लीट होगा। तो अब क्वेश्चन का वेट करिए और यहां तक नोट करिए। तो बच्चों, आपके सामने ये बोर्ड पे दो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, एक सीबीएसई पीएमटी 2009 और केरला पीएमटी 2007 का क्वेश्चन है।
और एक है वेस्ट बंगाल जेई 2012 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, एक्सेलरेशन से ही रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया अभी जस्ट उसी पर बेस्ड है। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं 2 मिनट वीडियो को पॉज करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग वेरिएबल फोर्स, ये फोर्स जो है वेरिएबल है, कैसा है ये वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स, इफ इन फर्स्ट 10 seconds डिस्टेंस ट्रेवल एस वन एंड इन सेकेंड 20 seconds इज डिस्टेंस इज एस टू, सॉरी 20 होगा, 20 seconds इज एस टू, ठीक है 20 seconds इज एस टू, देन इसमें से कौन सा रिलेशन बच्चों करेक्ट होगा आपको ऑप्शन बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ओ एक्स लाइन, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी फ्रॉम ओ इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू 4 प्लस 20 टी माइनस टी क्यूब, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी कम टिल रेस्ट, रेस्ट तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी, वो डिस्टेंस ऑप्शन आपके सामने है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करिए। ट्राई कर लिया, ओके देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमने जस्ट अभी एक नोट पढ़ाया आपको कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो पहले जो सेकेंड है 10 सेकेंड, इस सेकेंड में कितना डिस्टेंस है एस वन, तो S1 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, और S2 क्या हो जाएगा हमारा, ये टाइम है 20 सेकेंड, तो बच्चों S2 हो जाएगा 20 का स्क्वायर, आपस में डिवाइड कर देंगे तो S1 by S2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल कर देते हैं साइन, तो ये 100/400 आ जाएगा बच्चों, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो S2 इक्वल टू क्या जाएगा 4S1, S2 equal to 4S1, option C is the right answer, clear है, very simple question है, तो आप लोग इसको note कर सकते हैं। second question आपका देखिए try करिए, इसको भी erase करेंगे हम, अब ऊपर से बच्चों erase करेंगे, और पहला question आपका जो हो चुका है, second question आपका distance दिया गया है बच्चों, तो कितने time में ये rest में आएगी वो check करना है, तो रेस्ट मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 40 प्लस 20 टी माइनस टी क्यू, ये डिस्टेंस है एट एनी स्टैंड पर, तो टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए dx अपॉन dt, तो एट एनी इंस्टेंट पर वेलोसिटी आ जाएगी, तो डिफरेंशिएट कर डालिए, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन कॉन्स्टेंट है 0, ये 20 हो जाएगा माइनस 3t² हो जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करना आता है आप लोग को, ये वेलोसिटी हो जाएगी 20 माइनस 3t², वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि रेस्ट में आ गई बॉडी, तो इसको 0 कर देंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या करेंगे 0 मतलब बॉडी रेस्ट में आ गई, तो कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस 3t², तो ये 3t² हुआ है ना, ठीक है, तो 3t² कितना जाएगा 20, सॉल्व करने पर ये टी क्यूब है, ठीक है, तो t² इक्वल टू कितना जाएगा 20/3, तो t इक्वल टू अंडर 20/3 हो जाएगा ये, है ना, तो सॉल्व किया जाए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, पार्टिकल आपका दिया गया है एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक्स इक्वल टू 40 प्लस 20t माइनस 3t, डिफरेंसेस सही है बेटा, तो 3t² है, तो n dds ऑफ x पावर n, n इंटू x पावर n माइनस 1, तो 3 इंटू टी पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन 20 माइनस सी आ जाएगा 3t² आपका,
30 स्क्वायर ठीक है, और 20 बाई 3 आपका ये हो गया। तो कहीं कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होगा बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए, सॉल्व करिए, एक मिनट कैलकुलेशन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा इसी प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो ये आपका हो जाएगा 12, यहाँ पे 12t है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं होगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपका आंसर मैच नहीं करेगा, डोंट माइंड इसको। 12 तो यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, 12, ये भी आपका 12, ये आपका 12, 4, टी की वैल्यू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में बच्चों ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। अब इस 2 की वैल्यू इसमें रखेंगे आप एक्स में, तो 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो 40 प्लस ये 24 हो जाएगा माइनस 8, तो 24 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा अप्रॉक्स, तो 40 प्लस 16 आ जाएगा आपका 56 मीटर। 56 मीटर बच्चों आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एक्चुअली क्या था, क्वेश्चन हमने लिखा और लिखने में यहाँ पे 20t कर दिया, जिसकी वजह से कैलकुलेशन 20/3 आ रहा था, इसलिए स्क्वायर रूट इम्पॉसिबल होता, वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करता। तो क्वेश्चन को मैंने जब फिर से देखा बुक्स में, तो क्वेश्चन में यहाँ पे 12 है, जो कंपटीशन का क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 12 है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट वही है, इसके बाद हम इसको अब इरेस करेंगे बच्चों, इरेस करके 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तब जाके ये लेक्चर कंप्लीट होगा। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपके सामने ये 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन है, ये डीसी 2009 एक कॉम्पिटिशन होता था, अभी है, और AIEEE जो आज के टाइम पे जेई मेंस है, 2005 का क्वेश्चन है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, फेज़ 1, जब पहली जो फेज़ 1 में फॉर्म निकलता है, अप्लाई होता है, उसका जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, एक समझ सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जिसका ए क्या दिया है आपका, एक्सलरेशन दिया हुआ है अल्फा टी प्लस बीटा, ये और ये दोनों कांस्टेंट हैं, टी टाइम है, तो वेलोसिटी कितनी होगी कैलकुलेट करिए इसको। उसके बाद रिलेशन बिटवीन टी एंड एक्स, टाइम और डिस्टेंस के बीच एक रिलेशन दिया गया है, AIEEE में क्वेश्चन है ये, अल्फा बीटा कांस्टेंट है इसमें, तो रिटार्डेशन कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। और थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी दिया गया है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन कैलकुलेट करना है 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए हमको, मैसेज में टाइप करिए ऑप्शन ए बी थर्ड का ये, ठीक है ना, कमेंट करिए इसको और जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि डीसी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका एक्सेलरेशन बच्चों गिवन है ए इज इक्वल टू, तो साइड इस साइड का मैं इरेज कर देता हूँ, वेलोसिटी पूछा है, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से इसको इरेज करना पड़ रहा है, इसमें वेलोसिटी पूछा है वी, ए गिवन है कितना अल्फा टी प्लस बीटा, आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो डी वी अपॉन डी टी, ऐसे डी वी अपॉन डी टी अल्फा टी प्लस बीटा, डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, अल्फा टी प्लस बीटा डी टी, देखो बच्चों दोनों साइड में डी डी लगा हुआ है, जब दोनों साइड में डी डी आ जाए तो इंटीग्रेट कर देते हैं,
और इंटीग्रेशन करने पर वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएट करोगे तो कोई फार्मूला ही नहीं बनता, है ना, कोई फार्मूला नहीं है। इसका वैल्यू लिख करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएशन का अपोजिट चलेंगे इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी मिल जाएगी। वेरी सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, ये वी हो जाएगा, अल्फा टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे हम, प्लस बीटा डी टी इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अल्फा कांस्टेंट होगा और टी की पावर वन है तो टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, बीटा कांस्टेंट बाहर होगा, इंटीग्रेशन डी टी किया हो जाएगा टी, तो अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी, कहीं दिखाई पड़ रहा है अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। अब इसको इरेज करके बच्चों हम आपसे डिस्कस करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, ये भी बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से कुछ ये भी सॉल्व होगा, और मैंने अभी एक्सलरेशन के कई फॉर्म बताए हैं लिखने का। एक डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, और डी वी अपॉन डी टी को डी टू एक्स बाई डी टी टू लिख सकते हैं। आपको रिटार्डेशन पूछा है, टाइम की वैल्यू दी गई है कितना, अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स। बच्चों टाइम का वैल्यू दिया गया है, आपको रिटार्डेशन पूछा है, क्या करेंगे ऐसे में, कुछ मत करिए, हमें रिटार्डेशन चाहिए मींस एक्सलरेशन, तो उस पर जाइए। तो एक्सलरेशन का वैल्यू होता है क्या, डी वी अपॉन डी टी। कहोगे ये सर होता है, अब वेलोसिटी तो आपको दी नहीं गई है, कोई बात नहीं है, और कितने फार्मूले हैं, एक है आपका डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, हमने ऐसा आपको लिखना सिखाया है, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है। तो एक्सलरेशन का एक फार्मूला हो है वी डी वी बाई डी एक्स। अगर किसी तरीके से आपका वेलोसिटी मिल जाए, वी की वैल्यू यहाँ रख देंगे यहाँ पे, तो आपका एक्सलरेशन मतलब रिटार्डेशन मिल जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ एक्स के रेस्पेक्ट में और उसका रेसिप्रोकल ले लूँ, तो डी एक्स अपॉन डी टी मिल जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब वेलोसिटी आ गई, और उस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो डी टी बाई डी एक्स कितना होगा, इसका जरा चेक करेंगे, तो थ्री अल्फा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ये होगा ना बच्चों, ठीक है। तो थ्री अल्फा क्या हो जाएगा, थ्री अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा। डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो जाएगा इसका, वन बाई थ्री अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो कहीं क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, देखिए सॉल्व करिए। हाँ बेटा एक थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया फिर से, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे थ्री नहीं होगा बच्चों, टू आ जाएगा, टू अल्फा एक्स हो जाएगा, तब यहाँ पे टू अल्फा एक्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस मिस्टेक हो गया, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये सीधे सीधे वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं, कैसे, वहाँ पे रख सकते हैं इसको उठा करके, तो ए की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, एक ऐसे लिख सकते हैं, और डी डी एक्स ऑफ वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ऐसे इसको आप लिख सकते हो बच्चों। इसके पावर वन है, ऊपर ले जाइए इसको, सॉल्व करिए थोड़ा सा, और सॉल्व करने पर आपका आंसर मैच करेगा। तो वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो डी डी एक्स ऑफ टू अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर माइनस वन, ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा इसी को सॉल्व करना है, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, और कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे। डिफरेंशिएशन आप लोग को सॉल्व करना थोड़ा बच्चों आना चाहिए, अगर इतना नहीं आएगा तो फिर काम नहीं चल पाएगा आपका जेई मेंस और नीट के लिए। तो डी डी यहाँ होगा टू अल्फा एक्स प्लस बीटा,
ऐसे लिखिए क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। तो क्या करेंगे, वही जो ये चीज़ यहाँ पे है उसी का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डी के टर्म्स में लेकर के, तो टू अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर माइनस वन, ठीक है, इंटू डी टू अल्फा एक्स प्लस बीटा अपॉन डी एक्स, कुछ इस तरह सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को हम देखो इतना लिख दिए हैं भाई, हमको ये चीज़ अगर यहाँ पे होता तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन लगा देते, अब ये चीज़ यहाँ है नहीं तो ये चीज़ लाएंगे और उतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो फार्मूला बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो इस साइड भी इरेज कर दे रहे हैं बच्चों, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एक्स पावर एन एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, तो माइनस वन बगल में आएगा, तो माइनस वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स पावर एन माइनस वन, है ना, तो टू अल्फा एक्स प्लस बीटा होल पावर एन माइनस वन, तो एन कितना है माइनस वन माइनस वन, कितना हो जाएगा ये माइनस टू हो जाएगा इनटू, ये इसको सॉल्व करेंगे तो टू अल्फा बाहर होगा और ये जीरो हो जाएगा, तो टू अल्फा आ जाएगा इसका, तो और सॉल्व करेंगे इसको, ये माइनस टू हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो उसके साथ क्यू हो जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से आएगा, तो माइनस टू अल्फा अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, यहाँ है ही ये पावर स्क्वायर आएगा प्लस में हो जाएगा पावर थ्री हो जाएगा ऐसे, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो टू अल्फा वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, इस पूरे का होल क्यूब कर सकते हो, और ये आपकी क्या है वेलोसिटी है वी, तो आ जाएगा माइनस टू अल्फा वी क्यूब, ये आंसर हो जाएगा इसका रिटार्डेशन, तो नेगेटिव में आया तो रिटार्डेशन, तो मैग्नीट्यूड से फिर बात करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन चला जाएगा टू अल्फा वी क्यूब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लियर है बेटा, नो प्रॉब्लम, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको डिफरेंशिएशन करना है कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या था डी एक्स अपॉन डी टी लाना था हमको, और डी एक्स अपॉन डी टी मिल गया, वेलोसिटी आ गई, तो रिटार्डेशन अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब डी एक्स अपॉन डी टी लाने के लिए हमको इतना बड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ा, तो समझ गए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इसको भी इरेज करेंगे बच्चों कंप्लीट, इसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपका वेलोसिटी गिवन है किसी पार्टिकल का एट एनी इंस्टेंट पर, क्या गिवन है वेलोसिटी गिवन है आपका किसी इंस्टेंट पर, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, बच्चों ये गिवन है, आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आगे डिफरेंशिएशन करने पर डिस्टेंस तो मिलेगा नहीं, इसका अपोजिट चले मतलब उल्टा चले, मतलब इसको हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखें और उस इंटीग्रेशन करें, लिमिट दिया है 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में, तो अपने आप डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए डी एक्स ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन करिए डी एक्स जीरो टू एक्स, इंटीग्रेशन ए टी बी टी स्क्वायर डी टी, लिमिट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, ये लगा देंगे लिमिट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, ये आपका x माइनस एक्स हो जाएगा लिमिट 0 से x, ये सॉल्व करेंगे तो ए टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो है ना ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, तो इसका वेरिएबल 1 2 2 हो जाएगा प्लस b कॉन्स्टेंट और टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा 1 2 2, यही सॉल्व करेंगे बच्चों, ये x आ जाएगा आपका डिस्टेंस x, यहाँ एक बार 1 2 रखेंगे और 1 रखेंगे a बाई 2 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
प्लस बी बाई थ्री, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो सॉल्व करिए इसको, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो 3a बाई 2 प्लस ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7, 7 बाई 3 बी, ये आएगा डिस्टेंस आपका। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, 3 बाई 2a प्लस 7 बाई 3 बी, ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही खेल है, और ऐसे ही कंपटीशन में क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस और नीट में आते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। ये है आपके काइनेमेटिक्स का एक्सेलरेशन पार्ट, इसके आगे हम बच्चों पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में और उसके डेरिवेशन के बारे में, कैलकुलस मेथड से कैसे करते हैं डेरिवेशन, जनरल मेथड से कैसे करते हैं, फिर पढ़ेंगे ग्राफ और ग्राफ्स का से हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तब तक पढ़ें, मेहनत करें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।